वैश्विक शास्त्र पर शोध कर रही प्रोफेसर अर्चना स्वाल ने कल राजधानी लखनऊ के भाऊराव देवरस सभागार में आयोजित स्वाधीनता का अमृत महोत्सव व वैश्विक शास्त्र पुनरावलोकन शताब्दी अनुवर्तन संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र करते हुए बताया कि वैश्विक शास्त्र के रचयिता महान साधक सोमवारी महाराज ने हिमालय के कंदराव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से कहा था कि तुम शूद्र हो। इस पर लोकमान्य ने कहा, भगवान मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ। बाबा ने कहा कि तुम सेवा का कार्य करते हो इसलिए तुम शूद्र हो। राष्ट्रहित में सेवा का कार्य करने वाले कर्म से सभी शूद्र हैं। इस मौके पर वैश्विक शास्त्र अनुवर्तन समिति के संयोजक सुरेश स्वैल सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अमृतकाल में हम कैसी अपनी व्यवस्था खड़ी करेंगे? 2047 तक संपूर्ण भारत अपनी स्वदेशी नित्य नूतन चिर पुरातन जिसको सनातन कहा उस व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जाए, ऐसा आज के कार्यक्रम का हेतु है। तो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, यानी हम स्वाधीन तो हो गए और हम अपने तंत्र को खड़ा करना है और अमृत काल में उसको खड़ा करने के बाद 2047 में हम कह सकते हैं कि भारत पूर्ण स्वतंत्र है और पूरे विश्व को दिशा देने के लायक पूरा वसुधैव कुटुंबक के आधार पर हम यह कर सकते हैं। और उसकी प्रथम शुरुआत भी G20 के सम्मेलन के कारण एक ईश्वरीय योजना से शुरू हो रही है। यह हम कोई करने वाला नहीं, ईश्वरीय योजना सब करा रही है। उसी के आधार पर भारत में सब परिवर्तन भी हो रहा है, वैश्विक परिवर्तन हो रहा है और उसका आधार है दैशिक शास्त्र।